wanna know. If you're ready, let me know. Moments later. Guys, good morning, good evening, भाई. मम्मी जा रही है हरिद्वार और ये चल रहा है मम्मी का तिलक, क्योंकि मम्मी को जाना हरिद्वार. अपन लोग रेडी हो गए, अब मम्मी जय भोले करके और थोड़ी देर में चली जाएंगी. तो भाई मैं छोड़ के आऊँगा मम्मी को. उधर देखो भैया भैया भी आ गए थे, वो बुआ जी हैं. बुआ जी आ गई, मम्मी बुआ जी तिलक कर रही है मम्मी का और मम्मी लेने जा रही है कावर. पैर छू रही है मम्मी, पैर छू रही है, आशीर्वाद है ले रही है. तो भाई मम्मी को छोड़ के आएंगे. भाई मनी दी जा रही है, वे मिल गए. दिख गए, बाय कर दो मम्मी, जय बोले कर दो, जय बोले. भाई मम्मी को छोड़ कर जब आते 10 रुपया पकड़ाए मेरी मम्मी. अब ये कहाँ से आ गई, चल चलो आ जाओ यहीं से बैठो. मैं कहाँ पे, तब मैं लेकर आ रहा हूँ ना अपने भाई. नहीं वहाँ बस अड्डे. बस अड्डे से जाओगे? नहीं मंदिर तक तो वैसे चल रहे हैं. हाँ तो मैं बाइक ले आऊँ. ये खड़े सारे जने इन्हें बस अड्डे छोड़ देंगे. इन्हें हंटी राम स्टैंड पर आ गया. मम्मी भी आ गई बस स्टैंड पर. और देखो बाइक कितनी कावड़ जा रही हैं, सारी की सारी कावड़ ही कावड़ जा रही हैं. सब हरिद्वार जा रहे हैं भाई, सब हरिद्वार जा रहे हैं, कावर लेने जा रहे हैं. देखो कितनी भीड़ लग रही है भाई. बैठा के और चलते हैं, वहाँ पर आंटी खड़ी है, भाई खड़ी चलते हैं भाई. One hour later. हम जा रहे हैं. ओ, देखा अंकल कहाँ. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये. पूछ रहे हैं एक गल नहीं काट दी यार गाड़ी, बाइक अपनी बाइक है सॉरी साइकिल, एक गली काट रहे हैं भाई. अपन के दिमाग में आया एक प्लान, हम जा रहे हैं वापस. तो निखिल कहने लगा भैया एक बार ना इसको मिट्टी में चना के देखते हैं कितना पे वो देती है, मतलब एक बार चेक करके देखते हैं कितनी जान है कितनी ना. जान तो बहुत है, एक बार चलते हैं. ओ तेरी का, इधर चलाएंगे भाई खेत के अंदर. हाँ हाँ तेरे को उतारूंगा निखिल, कह रहा पहले मुझे उतर जाने दो, उनकी तेरे को भी उतारूंगा भाई. ओ बेटे ओ बेटे ओ बचगी 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 बचगी. संजय नगर जा रहे थे मैं और निखिल, तो हमारे दिमाग में आया एक बार ना मड शूट करके देखते हैं, मट्टी में घुमा देखते हैं. पर हम ना जगह बेकार नहीं कर रहे भाई, घास ही है निकालस, जंगली घास हो रखी है. और अब देखेंगे पावर कितनी, क्योंकि मट्टी से ना पावर पता लगती है कि कितनी. अब ये वाले टायर जो होते हैं ना अपन के, ये जो टायर हैं ये वाले मट्टी में काम नहीं करते, इनके लिए मोटी कुट्टी वाले टायर चाहिए. अब देखते हैं, देखें कर चला के एक बार. हेलमेट को वहाँ रख देता हूँ भाई, अन्नी हेलमेट जो है ना गंदा हो जाएगा सारा, वैसे गंदे तो हम सारे ही हो जाएंगे. कितना मजा आएगा अब लगेगी तो. Mm-hmm.
खा लूंगा पूरी फस गई बाइक होगी सारी गंदी मेरे पे भी ना खींच रही बुलेट होती जाओ पैर में लग गई यार मेरे बहुत तेज बहुत लगी है भाई खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय वो लग गया इसका स्टैंड कैसे ना जी भाई तो बाइक की हालत देख क्या हो रही है लेकिन बंद करो गाड़ी भाई कर देखो कितनी गंदी हो गई है और इसका जो है ना मेरे को यही चीज चेक करनी थी एक चीज दिखा दो तुझे इसका देखिए इंजन इंडिकेशन ना लगा देखिए अलग इसलिए मैं क्या नाम है देखना चाह रहा था कि क्या नाम है लाइट पावर इंजन की कैसी आ रही है क्योंकि इसकी सर्विस आ रही है पास में मुझे देखनी थी सारी बाइक गंदी होगी अब धुलवानी पड़ेगी जाके बहुत बुरी हालत होगी बस ना कल ही धुलवा दें फिर सर्विस के लिए जाएंगे यार इतनी ये तो बहुत जम जाएगा बेफालतू में हार हो जाएगी सारी गंदी हो गई थोड़ा जम गया एक गैल पर इससे ना देख मैं ये तो बता रहे थे जैसे मेरे को बाइक में दिक्कत लग रही थी इससे भी पता लग गई कि मैं इंजन की सर्विस आ रही है इसकी नहीं चलते हैं घर पे बहुत देर हो गई है मैं स्टंट करते करते हो गई कि सारे में खुद गिरा सारा मचा गिरा धुआं धार बेकार कर गया जाते हैं कोई शॉप के मार गए पर लगेगी ना क्यों करो बेफालतू में पता चले भैया खेत खेतों में नाले बनाने का काम शुरू कर दो क्यों ना मिले इसमें डाल दो किसी को मुझे लगा बहुत दिन से फैन चली ना भाई ठंडा पड़ा पानी चले गए कहाँ से यार सावन का टाइम चल रहा पानी तो दबा के बरस रहा और मेरे कपड़े सारे गंदे हो गए भाई अरे दादा ये तो सारा गंदा हो गया रे वो देखे थे ना फिर हेरा फेरी मूवी कितने बार भाई कभी कभी आदमी कुछ भी हो रहा है उसे देख ले भाई मजा आ जाएगा चल तो भाई हाथ पाँव देखो इस पर पानी में ना नींबू की खुशबू आ रही है पता क्यों नींबू कह रहा हूँ उसकी नीम की ऊपर से भी वो गिरते हुए निमोली गिर रही है ऊपर से पूरी भाई सारे हाथ पाँव गंदे हो गए मेरे तो लोअर भी गंदा हो गया पता ना दिमाग में क्या आई तेरे में यार मैं बताता रहा हूँ चले ये टेस्ट हो गया लेकिन देख अभी एवरेज ड्यूरेशन पता लग गया इसका और देख इंजन का गैल आ गया कितने हीट पे तनक देरी तो चली है यहाँ हीट होने पे ही का नाम है उसने इंजन का इंडिकेशन दिखा दिया मतलब इसको मतलब सर्विस दोबारा आ रही है इस संडे को सर्विस करवाते हैं तो पहले चलो भाई घर चलते हैं मिलते हैं घर पे कुछ खाएंगे पहले भूख लग रही है खाएगा कुछ मैं तो खा के तुम देख सकते हो हालात क्या बुरी हो रखी है बाइक की चारों ओर से दिखा दो कितनी गंदी हो गई है मजा आ रहा पर देखियो मट्टी सारे में अभी इसको धुलवाऊंगा कल की दुकान पर ये धो देंगे इसे
Get my head.